नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं आलोक। जैसे जैसे 2019 करीब आ रहा है, एक बात तो साफ होती जा रही है, चुनावी बिसात पर जिसने जाति के मोहरे सेट कर लिए, जीत तो उसी की होनी है। और ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, यूपी में बनने वाला गठबंधन या महागठबंधन की धुरी जाति है तो विकास की ढोल पीटने वाली बीजेपी इसकी काट के लिए जाति का कार्ड खेल रही है। मसलन महागठबंधन के सामने बीजेपी सामाजिक सम्मेलनों से चुनावी गोट सजा रही है। इसकी शुरुआत मंगलवार को पिछड़ा वर्ग सम्मेलन के साथ हुई। ये खास तौर पर प्रजापति समाज के लिए आयोजित किया गया था। मंच पर मौजूद डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने साफ साफ कहा, अगर पिछड़े एकजुट हों तो 50% वोट खुद ही बीजेपी की झोली में गिर जाएंगे। केशव मौर्य ने ये याद दिलाया और साथ ही साथ कहा कि मिशन 2019 के लिए पिछड़ा एकता बहुत जरूरी है। बहरहाल, पिछड़ों को अपने साथ जोड़ने के तहत राजभर, नाई, सविता, ठाकुर, सेन, निषाद जातियों के प्रतिनिधियों के सम्मेलनों का आयोजन होगा। साथ ही बीजेपी की रणनीति दलितों के भी अलग अलग तबकों के सम्मेलन की योजना है। बात करें केंद्र की तो लोकसभा में एससी एसटी एक्ट संशोधन पास कराकर पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की पहल करके बीजेपी पहले ही ट्रंप कार्ड खेल चुकी है। पीएम मोदी ने तो इसे अगस्त क्रांति तक का तमगा दे दिया। अब केंद्र सरकार जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन में आरक्षण की वकालत कर रही है, मायावती गरीब मुसलमानों और सवर्णों के लिए आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग कर रही है, उससे साफ है कि 2019 में जीत का मंत्र जाति के संग होने जा रहा है। तो राजधानी लखनऊ में आयोजित राजभर सम्मेलन में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, केंद्र सरकार का पिछड़ा वर्ग आयोग सबको न्याय दिलाएगा। इस दौरान विपक्ष को निशाने पर लेते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, विपक्ष मोदी रोको अभियान चला रहा है जो कि एक बड़ी लंबी लड़ाई है, जिसमें सभी पिछड़े वर्ग को मिलकर मोदी जी को समर्थन करना होगा। और क्या कुछ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, जरा सबसे पहले वो बयान सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को लोकसभा के बाद राज्यसभा में पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिलाने की जो कार्रवाई की है उसके लिए उनको बधाई देता हूं और उस पर बहुत खुशी जाहिर करता हूं और पूरे प्रदेश में, पूरे देश में इस विषय को लेकर के प्रसन्नता का एक वातावरण है। और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी को मजबूरी में उसका स्वागत करना पड़ा है, लेकिन जिस प्रकार से इस देश के पिछड़ा विरोधी, गरीब विरोधी, गांव विरोधी, किसान विरोधी राजनीतिक दल हैं, वह सारे मिलकर के माननीय नरेंद्र मोदी जी को 2019 में रोकने का असफल प्रयास कर रहे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश से ही हम 2014 से बड़ी विजय दिला करके मोदी जी को 2019 में फिर से भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरा समर्थन, पूरी ताकत के साथ देने का काम करेंगे। वहीं बीजेपी के सामाजिक सम्मेलन पर विपक्षी दलों का क्या कुछ कहना, जरा वो भी सुन लेते हैं। ये बीजेपी भ्रम फैलाने वाली पार्टी है और लोगों को भ्रम में डालने का काम सदैव करती है। इनसे बड़ा जातिवादी कोई है नहीं बीजेपी से बड़ा। और बीजेपी जातियों के नाम पे, धर्म के नाम पे, राम के नाम पे, गंगा के नाम पे, गाय के नाम पे सबको ठगने का ही तो काम किया है। नवयुवक सड़क पर बेरोजगार पड़ा हुआ है, पढ़ के लड़के लाखों की संख्या में डॉक्टर, इंजीनियर और टीचर्स और लेक्चरर के लिए नौकरी ढूंढ रहे हैं और इन ये जो हैं जातियों का सम्मेलन कर रहे हैं। कौन सी जाति इनको वोट देगी? जब किसी को आप नौकरी नहीं दोगे, रोजगार नहीं दोगे, रोटी नहीं मिलेगी, तो जातियों के सम्मेलन से वोट मिलेगा?
तो 2019 के करीब आते ही बात साफ होती जा रही कि चुनावी विषाद पर जिसने जाति के मोहरे सेट कर लिए जीत उसी की होगी। और इसी को लेकर के लगातार अगर बात करें तो अब बीजेपी पिछड़ों को लेकर के जो सम्मेलन कर रही है, ऐसे तमाम सारे सवाल हैं कि यूपी में बनने वाला गठबंधन या महागठबंधन की धुरी क्या जाति होगी या विकास का ढोल पीटने वाली बीजेपी इसकी काट के लिए जाति का कार्ड खेल रही है। ऐसे तमाम सारे सवालों के जवाब आज जानने के लिए बड़ी बहस में हमने बुलाया खास पैनल। सबसे पहले आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का परिचय करा दें। बीजेपी की तरफ से राम हृदय राम जी हमारे साथ हैं, स्वागत है सर आपका। समाजवादी पार्टी की तरफ से जगदेव सिंह जी हैं, जगदेव जी नमस्कार, स्वागत है आपका भी। कांग्रेस की तरफ से सचिन रावत जी हैं, सचिन जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और दलित चिंतक बीडी नकवी जी हमारे साथ हैं, नकवी साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। और लाइव टुडे के न्यूज रूम से आज हमारे साथ बड़े सालों बाद वरिष्ठ पत्रकार अनुराग शुक्ला जी आज हमारे साथ मुखातिब। अनुराग जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। तो बहुत आज एक हेल्दी पैनल है, बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन पहला सवाल मैं राम हृदय जी के पास ही आऊंगा। राम हृदय जी, जो जाति जिसने सेट कर ली समझ लीजिए उस पार्टी की चुनावी वैतरणी 2019 में पार लगे और आप लोग इसमें पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं, पिछड़े वर्गों को लुभाने के लिए आप लोग मुलाकात कर रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं, तो इसके जरिए आप लोग दर्शाना क्या चाह रहे हैं? कल प्रजापतियों का सम्मेलन, आज राजभर लोगों का सम्मेलन, तो इसके जरिए क्या शो क्या करना चाह रहे हैं? देखिए आलोक जी, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पे काम कर रही है। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, सबका साथ सबका विकास की जो जमीन पे काम है, सामाजिक सम्मेलन करते हुए मतलब तो और समाज के विकास की बात कर रहे हैं। तो विकास इसका मतलब दिख नहीं रहा, इसलिए सम्मेलन के जरिए बताया जा रहा है, इसका तो मतलब यही हुआ ना? समाज, हाँ। समाज में जागृति पैदा करने के लिए अभी जैसे उन्होंने पॉलिथीन पे बैन लगा दिया, जो प्रजापति कुम्हार समाज के लोग गाँव में जो पुस्तैनी कार्य मिट्टी का कर बर्तन बनाते थे, कार्य करते थे, वो धंधे सब गाँव में से शहरों के तरफ पलायन हो गए और सब नवीनीकरण में आधुनिकरण ने प्लास्टिक चल गई, पॉलिथीन चल गई, जिससे गांव का रोजगार छिन गया। ये तो कही ना प्रजापति समाज के लिए माटी कला बोर्ड का गठन किया, सामाजिक सम्मेलन के जरिए ये वोट सम्मेलन ज्यादा लग रहा है, नहीं लग रहा है? हाँ, सम्मेलन नहीं, क्योंकि इसके लिए पूरा का पूरा आप लोगों ने कुनबा लगा दिया, 400 प्रतिनिधि भी लगा दिए, खुद केशव प्रसाद मौर्य को इसकी जिम्मेदारी दी गई, नहीं लग रहा है? हाँ। एकदम आप सही कह रहे हैं, हर जिले से 5-5 लोगों को बुलाया गया जो संगठन के पदाधिकारी हैं और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सबका साथ सबका विकास के नारे पे काम कर रही है और समाज हित की बात कर रही है। इसी के तहत ये समाज में जागृति लाने के लिए सामाजिक सम्मेलन हो रहा है। चलिए एक बात तो साफ हो गई कि अब सम्मेलन के जरिए सबका साथ सबका विकास होगा, विकास लगता दिखेगा। सचिन जी, अब यही होगा कि अब सम्मेलनों के जरिए, योजनाओं के जरिए अब बताया जाएगा बस खाली कि ये काम किया है, दिख नहीं रहा इसका मतलब काम? देखिए आलोक जी, जहां तक जातिकरण सम्मेलन का सवाल है, जब आपने कुछ काम किया हो तभी तो ये सम्मेलन करना चाहिए। जहां तक कि चुनाव, जब 2017 का चुनाव था तब किसी को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया, उन्होंने भाजपा ने यह कहा कि मौर्य समाज का मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, सिंह समाज का मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जाति के संतुलन नहीं बन पाया तो योगी जी को सब बना दिया जाएगा और योगी जी को सीएम बना दिया, मौर्य जी को डिप्टी सीएम और दिनेश शर्मा जी को डिप्टी सीएम बना दिया जाएगा। जी, जहां तक मेरा मानना है कि आज देश व प्रदेश में लाखों युवा जो बेरोजगार हैं उनके लिए कुछ नहीं किया गया है। जहां तक कि अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे सबका साथ विकास सबका विकास की बात, लेकिन आज जो सबका साथ सबका विकास की बात है पूरी तरीके खोखला साबित हो रहा है या नारा। आज लाखों रोजगार बेरोजगार है, उनके लिए कोई रोजगार नहीं है, जाति सम्मेलन हो रहे हैं, जहाँ पिछड़ा के लिए अति पिछड़ा के लिए हो रहा है। अगर किसी को मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की जा रही तो विपक्ष को इतनी बौखलाहट क्यों है? कोई बात नहीं, आज क्या उनको नहीं बराबरी का हक है क्या? ये शिक्षा मित्रों के साथ करना चाहिए था, अनुदेशकों के लिए कुछ करना चाहिए था, लेकिन आज भ्रम की राजनीति करना मित्रों के साथ, जो परंपरा आप लोगों ने, अरे नहीं नहीं, पूरी पूरी बात आलोक जी करने दीजिए। जहां तक शिक्षा मित्रों की बात है, जो देश के भविष्य के बच्चों को उनका भविष्य बनाते हैं, आज उनके साथ छलावा किया गया, उनको मानदेय 10,000 दिया जा रहा है, जबकि लोक मित्र बनाए जा रहे हैं जो सरकारी योजना बताए, उनको 30,000 देना जा रहा है, 30,000 देने की बात की गई है। यहां तक ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि आज सरकार पूरी तरह विफल साबित हो चुकी है, ये भ्रम फैलाने की राजनीति कर रहे हैं। मेरे सवाल का जवाब दीजिए, सरकार मान लिया चलिए कोई काम नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर ये बहुत जुनून सवाल है,
क्योंकि ये मेन स्ट्रीम में लाने के लिए बात कर रहे हैं, अगर दलितों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, पिछड़ों के लिए बात है तो इसमें गलत क्या है? क्यों आपत्ति हो रही है? आप लोगों को तो और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए भाई, साथ देना चाहिए। आपत्ति हाँ, कोई नहीं है हाँ, लेकिन आज जो ये जो कर रहे हैं दलित सम्मेलन, पिछड़े सम्मेलन, जो भी सम्मेलन कर रहे हैं, ये सम्मेलन किसी जाति आधार पर नहीं होने चाहिए हाँ। ये सम्मेलन होने चाहिए उन युवाओं के लिए होने चाहिए, उन किसानों के लिए सम्मेलन होने चाहिए जिनसे उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे। आज जो ये सम्मेलन कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं चुनाव आ रहा है पास, इस वजह समाजवादी पार्टी के पास आ रहे हैं। जगदेव जी, ये जो सम्मेलन हो रहा है ये कहीं ना कहीं गठबंधन की काट के लिए हो रहा है, आप लोगों को भी चिंता बढ़ी हुई है। देखिए एक बड़ा स्पष्ट बात हो गई है कि जो पार्टी बड़ा छाती पीट पीट कहती है मैं जातिवाद की बात नहीं करता, मैं संप्रदायवाद की बात नहीं करता, आज उनके मुख्यमंत्री लोग जाति सम्मेलन कर रहे हैं और जाति सम्मेलन जा रहे हैं। देखिए असलियत ये जाति एक सच्चाई है जी। और राजनीतिक क्षेत्र में सामाजिक समीकरण बनाए जाते हैं, सामाजिक समीकरण क्षेत्रीय समीकरण बना करके राजनीति होती है, इसमें कोई वो नहीं कर सकता, हर पार्टी करती है। लेकिन बात सुनिए तो भैया, जो मैं कहना चाहता हूँ कि ये हमेशा चिल्लाते थे इनके अमित शाह हो चाहे मोदी जी हो कि मैं जातिवाद की राजनीति नहीं करता, मैं समुदायवाद नहीं करता। अभी हो क्या रहा है, राजभर जैसे लोग जो कैबिनेट मंत्री बनाए हुए हैं, अब समझ में आया कि राजभर रोज पानी पी पी की गाली देते हैं, इनकी हैसियत नहीं है मुख्यमंत्री जी की, उनके खिलाफ कैबिनेट में बनाए हुए कैबिनेट मंत्री बनाए हुए हैं, कोई कार्रवाई करते हैं। और अब तो वह भाव रहद हो गई जब राजभर सम्मेलन में जा रहे हैं, प्रजा सम्मेलन में जा रहे हैं, इनका असली चेहरा जनता के सामने आ गया है। विकास की कोई बात नहीं करते, मोदी जी का 2019 देख रहे हैं, रोजगार की बात नहीं करते, 2 करोड़ रोजगार देंगे, कौन सा रोजगार देने काम किया, और एक और जो बनाने जा रहे हैं 25,000 देने जा रहे हैं, वास्तव में कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करने जा रहे हैं, बीजेपी के लोग, संघ के लोग रहेंगे, इनको एक पेंशन देने जा रहे हैं। और इनके एक और बता दें, इनकी योजनाओं में उतना पैसा नहीं खर्च करते हैं जितना कि पैसा ये प्रचार प्रसार में कर सकते हैं। इसके तमाम आंकड़े कहेंगे तो मैं बता दूंगा। मैं समझता हूँ ये बेनकाब हो गए हैं, घोर जातिवादी हैं, घोर सांप्रदायिकवाद है, ये हिंदू मुस्लिम करेंगे और ये पिछड़ा करेंगे, दलित अदलित करेंगे, मैंने पहले ही कहा था करेंगे, इसके अलावा इनके पास रही नहीं गया विकास के मुद्दे पे ना लाना चाहिए, वो दिखाना चाहिए सारे 4 साल में क्या बोले करके लगातार काम करते आए हैं, उनके हितों की बात करते आए हैं, इसीलिए मैंने आज उनको खास प्रोग्राम में बुलाया। सर विपक्ष समझे कि पिछड़ा अति पिछड़ा समाज वर्ग वोट बैंक नहीं है, बल्कि देश के संसाधनों और सुविधाओं पर कहीं ना कहीं उनका भी हक है, विपक्ष इस चीज को क्यों नहीं समझ रहा है? देखिए बहुत गंभीर बात हो रही है और हमारे अभी साथी इन्होंने कहा जगदेव सिंह जी ने, कास्ट इज ए रियलिटी, इस बात को तो हमें मानना ही होगा। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी जब बैकवर्ड रिजर्वेशन के मुद्दे पर अपना जजमेंट दिया तो उन्होंने कहा भाई कास्ट इज ए रियलिटी, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। हिंदुस्तान के अंदर अगर कम्युनिज्म नहीं फैला, इस गरीब मुल्क में नहीं फैला जहाँ रोटी मैसर नहीं थी लोगों को, तो वो कास्ट ने रोका उसको, इस्लाम को इस पेट को भी कास्ट ने रोका। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आप देखिए ना, यू कैन चेंज योर रिलीजन बट यू कैन नॉट चेंज योर कास्ट। जो आज कन्वर्जन भी हुआ मुस्लिम्स में, वो अगर बैकवर्ड कास्ट से हैं तो आज भी वो बैकवर्ड हैं, वो दे आर बीन क्लासिफाइड एज ए बैकवर्ड क्लास। तो अम्बेडकर साहब ने कहा था कि हिंदुस्तान के समाज में कास्ट जो लोग हैं वो कास्ट के कैंपस में सोचते हैं, कैंपस में सोचते हैं। ये यहाँ देखिए पिछली जो सम्मेलन हो रहा है, मुझे याद आ रहा है 2013 में ऑनरेबल हाईकोर्ट डिवीजन बेंच का जजमेंट है कि ये कास्ट सम्मेलन ना किए जाएं, इससे सोशल फैब्रिक, सोशल यूनिटी तो बड़ा फर्क होता है। अगर हम एक कास्ट को एक हद तक आगे जाएं, हम ये कहें कि भाई इस कास्ट का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। बीजेपी के साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है, उन्होंने जो चीफ मिनिस्टर बनाए पावर शेयर नहीं करी बैकवर्ड से, उन्होंने उठा के एक कास्ट के लोगों को 6-7-8 चीफ मिनिस्टर, हिमाचल, उत्तराचल, यूपी, आप देखिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, सभी ऑलमोस्ट जो है वो रिप्रेजेंटेशन बैकवर्ड्स को नहीं मिला। केशव प्रसाद मौर्या को बनाया गया तो लगा था हमारे मौर्य वंश के लोगों का आज हम हुकूमत करेंगे, लेकिन उनको भी निराशा हुई। देखिए अब डबल स्टैंडर्ड देखिए, बैकवर्ड कमीशन बनाएंगे लेकिन नौकरियाँ नहीं देंगे। नौकरियाँ आप कितनी दे रहे हैं, आपने 900 कुछ पोस्ट निकाली हैं पीसीएस में ऑफिसर्स के लिए, उसके अंदर मैं आपको बताऊं उसके अंदर कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा, जनरल कैटेगरी की आप हजार से ज्यादा ये जो योजनाएं चल रही हैं, लेकिन इसमें डबल स्टैंडर्ड है जी। हित जो है वो अभी भी कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। मैंने सबकी बात सुन ली, राजनीतिक दलों की, दलित चिंता की। अब मैं वरिष्ठ पत्रकार अनुराग जी के पास आ रहा हूँ। अनुराग जी से आज काफी सालों बाद हम सवाल पूछ रहे हैं,
पत्रकारिता का बहुत बड़ा लंबा चौड़ा अनुराग जी के पास अनुभव है। अनुराग जी, आपने सबकी बात सुनी, सवाल यह कि बीजेपी जो सम्मेलन कर रही है, पहले दलितों को लुभाने के लिए घर पे खाना खाया, ग्राम स्वराज अभियान किया, पहले दलित और अब पिछड़े। देखिए आलोक, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाति जाति नहीं है, यानी जितनी भी राजनीति होती है वो जाति के इर्द गिर्द ही होती है। चाहे महागठबंधन की बात कर लें या फिर भाजपा की बात कर लें, सबकी जो सोच है वो सिर्फ इतनी है कि जाति को किस तरह से अपनी तरफ किया जाए। जहां एक तरफ महागठबंधन बनाकर दलित और पिछड़े का एक जोड़ बनाया जा रहा है, जिसको मुसलमानों के जो बिखराव वोट होता है, बिखराव होता है वोट का, उसको रोका जाए, वही भाजपा ये इस तरह के सम्मेलन करके इस अपने अपने वोट बैंक को पक्का कर रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आप इन सम्मेलनों को देखिए कि दलितों में नॉन जाटों और जो पिछड़े हैं उनमें नॉन यादव को फोकस किया जा रहा है, यानी जो वोट बैंक जो किसी पार्टी को कमिटेड हैं, जैसे कि जाटों वोट बैंक जिसको जो मायावती के साथ जा सकता है, या यादव वोट बैंक जो समाजवादी पार्टी का काडर कहा जाता है, उसके अलावा जो पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग है उसको ज्यादा कोशिश की जा रही है। और यही कोशिश है कि किसी तरह इस जोड़ जुगत समीकरण से अपनी सत्ता की कुंजी को हासिल किया जाए। बिल्कुल, सत्ता की कुंजी, और सत्ता की कुंजी को हथियाने के लिए आप बीजेपी पूरी तरीके से समझ चुकी है, क्यों राम हृदय जी? और इसी के लिए देखिए, कभी ग्राम स्वराज अभियान तो कभी एससी एसटी बिल तो कभी ओबीसी और पाइपलाइन में प्रमोशन में आरक्षण भी है। आलोक जी, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है और काम भी करती है। समाजवादी दो पार्टी 403 में एक भी एमएलए टिकट नहीं दिया 20% आबादी। अच्छा चलिए, मैंने चलिए आप अच्छा चलिए मुझे एक बात बताइए राम हृदय जी, सबका साथ, चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए नहीं 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 ये बताइए, चलिए नहीं नहीं ठीक है, नहीं नहीं राम हृदय जी सबका, हाँ ठीक है सब ठीक है, चलिए एक एक करके भाई, नहीं ठीक है सबका साथ आदरणीय श्री जगदेव जी बड़े सीनियर है, सज्जन है, मैं उनका सम्मान करता था, आप बोल रहे थे मैं सुन रहा था, अच्छा वक्ता बनना के लिए श्रोता भी अच्छा होना चाहिए। बात रख रहे हैं, हाँ तो हम बात रखने दीजिए, आप बोल रहे थे हम चुप, ठीक है ठीक है रखने दीजिए हमको भी अपनी बात, आपने रखा। अभी पिछले ही महीने आदरणीय श्री अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्हें समाजवादी पार्टी कार्यालय में जातिवाइज लोगों को बुला करके सम्मेलन किया और बैठक किया। सर वो उनके अभी अभी बैठे हैं, उनसे सवाल पूछेंगे, अभी अभी सवाल का जवाब दीजिए। कांग्रेस जी सुनिए, कांग्रेस प्रवक्ता जी कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी जाति, वो कुछ भी कह रहे हैं, मैं उनसे सवाल पूछूंगा, मैं उनसे सवाल पूछूंगा। आदरणीय राहुल गांधी जी कांग्रेस के राष्ट्रीय, राहुल गांधी को अभी यूपी में फोकस कर ही नहीं रहे, राहुल गांधी के पूछ नहीं, हम जातियों की बात नहीं करते। भारत में पहला प्रधानमंत्री है जिसने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया है, एससी एसटी एक्ट को लोकसभा में बिल में पारित कराया है, और हम सचिन जी ठीक है, ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कही। सचिन जी कहा कि 4 दशक तक इतनी सरकारें रही लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, और इसको अगस्त क्रांति के नाम का तमगा भी दिया है। सचिन जी, और सीधे सीधे आप लोगों पर निशाना कि पिछले इतने सालों से जो आप लोगों की सरकार थी। देखिए आलोक जी, जहां तक की सवाल है ओबीसी या एससी या जितने भी मतलब पिछड़े वर्ग हैं या कोई भी है, सबको कांग्रेस ने तवज्जो दी है, सबका सम्मान किया, सबको रोजगार दिया है, लेकिन आज जब हम लोग विपक्ष में जब पूछ रहे हैं तब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं बता रहे हैं कि ये जाति सम्मेलन क्यों हो रहा है, लेकिन कांग्रेस के समय में जो नहीं नहीं सचिन जी कौन से ऐसे नाम है जरा गिना दीजिए जो फैला है वो पूरी तरीके, कौन से ऐसे बड़े नाम है, कौन से ऐसे बड़े नाम है जगजीवन के अलावा, अगर एक दो नाम अगर और छोड़ दे जो आपकी राजनीति के इर्द गिर्द घूमते रहे, जिनको लेकर के आपने राजनीति की है। हम देखिए, कांग्रेस पार्टी ने सबका साथ सबका विकास वाला जो था उसने
कांग्रेस ने वो नारा दिया, नारे का उसने वो सम्मान किया, जितने भी ओबीसी हो या एससी हो जो भी मतलब थे, कांग्रेस ने सबका साथ दिया और सबको आगे बढ़ाया। लेकिन सब कुछ किया तो दलितों की नाराजगी पिछड़ों की क्यों आपसे हो गई इतना, क्यों हो गई आप लोगों की नाराजगी इतना, अगर अगर इतना सब कुछ किया तो। देखिए आलोक जी, आज जो आज की डेट में प्रेजेंट में क्या हो रहा है, प्रेजेंट में आज जो चुनावी जो माहौल बनाया जा रहा है जिसमें जातियों को जातियों के आधार पर बात हो रही है, यहाँ विकास की कोई बात नहीं हो रही, जबकि 4.5 साल हो गया, यहाँ पे विकास के मुद्दे पर डिबेट होनी चाहिए थी, विकास पे जो मोदी जी ने जुमला फैलाया है, लेकिन आज जो है जनता समझ चुकी है, जनता भाजपा से मुक्त है। मैं एक बार जरा अनुराग जी के पास आ जाता हूं। अनुराग जी, घूम फिर के बात विकास की हो रही है, नेता यानी कि सरकार की बात करें कह रहे विकास की गंगा बहा दी, जबकि जनता कह रही है या विपक्ष कहे कि विकास को ही गंगा में बहा दिया, इस सवाल का जवाब मुझे आप दीजिए। देखिए विकास की जहां तक बात है, अगर बात की जाए तो विकास सिर्फ मुअल्लमा है, चाहे वो महागठबंधन के ऊपर का मुअल्लमा हो, चाहे वो सबका साथ सबके विकास के ऊपर का मुखौटा हो, तो साफ तौर पर यह है कि कोई भी पार्टी जो विकास की बात करती है उसका समीकरण हमेशा जातियों के जरिए जाता है। मैं आपको बताता हूं कि यहां बैठी सभी पार्टियों के जब टिकट बंटते हैं तो ये जरूर देखा जाता है कि किस जाति के कितने वोटर हैं। मैं उसको गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि विकास सिर्फ एक मुखौटा होता है, बाकी जो स्ट्रेटेजी होती है वो जातियों की है, और यही वजह है कि चाहे सम्मेलन किया जाए चाहे महागठबंधन बनाए जाए, कोशिश यही होती है कि जितनी भी जातियां हैं उनको एक मैसेज दिया जाए। और उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स की बात कही जाए तो साफ तौर पर समझ लीजिए कि यहाँ पर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स होती है। मेरी जाति का फला नेता ये मंत्री बना दिया गया, यानी मैंने जातियों को खुश कर दिया। मेरी जाति का फला मंत्री यहाँ पर राज्य मंत्री बना दिया गया, यानी मेरी जाति को कम महत्व दिया गया। तो साफ तौर पर यह है कि जातियों की जो जुगत है उससे ही सत्ता तक पहुंचने का रास्ता तलाशती हैं ये पार्टियां। हाँ, ये जरूर है कि हम सबका साथ सबका विकास कहते हैं, हम ये कहते हैं कि हमने सबको विकास किया, दूसरे पर निशाना साधते हैं, तो ये सारे मुखौटे हो सकते हैं, लेकिन जो पूरी जो एक सोच है वो जातियों के जरिए ही जाती है। बिल्कुल, जातियों के जरिए कहीं ना कहीं जो संदेश जा रहा है और साधने की कोशिश। मैं नकवी साहब के पास आ रहा हूं। पिछड़े और दलितों को जो समीकरण अब फिट बिठाने की कोशिश कर रही है बीजेपी, तो बीजेपी का ये आगामी चुनाव में कहीं ना कहीं ये ट्रंप कार्ड साबित हो सकता है। देखिए, बीजेपी ने जो कामयाबी हासिल करी यूपी के इलेक्शन में, उन्होंने कंसोलिडेट किया नान यादव बैकवर्ड्स और नान जाटव जो दलित थे उनको उन्होंने कंसोलिडेट किया, उससे उन्हें कामयाबी मिली। लेकिन जो एक नेशनल पर्सपेक्टिव हम बात करें, मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग बात ये बताना चाहूंगा, ऑडियंस से शेयर करना चाहूंगा कि साउथ में बैकवर्ड मूवमेंट तो 3-4 चले, लेकिन नॉर्थ में बैकवर्ड मूवमेंट नहीं है, और नॉर्थ के जो ओबीसीज हैं उनका कोई आइडियोलॉग भी नहीं है। दलित का तो आइडियोलॉग हमारे बाबा साहब अम्बेडकर हैं, लेकिन आपका बैकवर्ड का कोई एक लोहिया साहब के अलावा दूसरा नाम आप नहीं दे सकते, और लोहिया साहब भी सबको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, तो इसलिए जो प्रॉब्लम आती है, तो जो नान यादव ओबीसी है वो अपना रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, उनके अंदर ये बड़ी एक कसक है कि हमें हुकूमत करना है, इस देश में हुकूमत करना है, हमारी नुमाइंदगी होनी चाहिए। तो ये जो आइडियालॉग ना होने की वजह से बीजेपी को ये सोचना पड़ा कि एक तरह कम्युनल पॉलिटिक्स को जब फेल होते उन्होंने देखा, और जब कास्ट का गठबंधन यूपी में हो गया, बीएसपी और समाजवादी में कहीं ना कहीं जो बात है, तो उन्होंने इस तरह से और जो ओबीसी है जो और जो मार्जिनलाइज कास्ट है उनकी तरफ जो है चारा डाला है कि नहीं भाई, हम ही आपके हितैषी हैं, हम ही आपके लिए देख सकते हैं। लेकिन लड़ाई सर, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है जिसका सवाल मैं आपसे जवाब चाहूंगा कि ऐसे में जैसे हर पार्टी दलितों का हितैषी बता रही कि जुगत में है, पिछड़ों का, ओबीसी पिछड़ों में, अति पिछड़े सब यादवों में भी जो अन्य पिछड़े हैं, लेकिन सवाल ये कि ऐसे में वोटर्स को बड़ा कंफ्यूजन है, क्या करें क्या ना करें, किधर जाएं किधर जाएं। देखिए ऐसा है, वोटर जो है वो उसके जहन में कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो वोटर या तो अपनी कास्ट के साथ चलेगा या अपने हित के साथ चलेगा, वो ये देखेगा कि जो हुकूमत है वो हमें क्या दे सकती है, वो इसको उम्मीद थी। देखिए बैंथम का मुझे याद आया, जो बैंथम ने कहा बड़ी अच्छी बात कही, उसने कहा कि मैन इज प्लेजर सीकिंग पेन अवॉइडिंग, वो फ्यूचर हिज एक्शंस आर गाइडेड बाय द फ्यूचर इंटरेस्ट, उसको क्या मिलने वाला है वो जो मिल जाता है उसे वो मुतमईन नहीं होता, जो क्या मिल सकता है। तो ये जो बेंथमाइट्स हैं, जो आज का दौर है, वो बेंथम फिलॉसफी पे लोग काम कर रहे हैं, हम आपको ये देंगे, हम आपको मकान देंगे, हम आपको रोजगार देंगे, अगर उसको नहीं मिला
वो उधर जाएगा, लीडर के साथ जाएगा जहां जो लीडर उसके अंदर ट्रस्ट पैदा करेगा। बिल्कुल बिल्कुल है, क्योंकि हमने कर्नाटक में देखा, कांग्रेस ने दलित को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया, उन्होंने देखा कि उनका मेन वोट बैंक वहां का था, तो कांग्रेस ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया और बैकवर्ड को आगे भी बढ़ाया उसको। जगदेव जी, पिछड़ा, दलित और मुस्लिम जो आप लोगों का ये वोट बैंक है, अब थोड़ा सा आप लोगों को अब डर लगने लगा है कि बीजेपी भी अब इसमें आ गई, कहीं ना कहीं सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। हाँ, यहाँ सब पिछड़ों की बात करते हैं। अभी हमारे साथी ने नाम लिया डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लोहिया जी बनिया थे, लेकिन उन्होंने पिछड़ों की लड़ाई लड़ी, पिछड़े पावे 100 में 60 आबादी के हिसाब से। उसके बाद कांशीराम जी ने एक मुहिम चलाई 85 और 15 की, पूरी मुहिम चलाई, एक मूवमेंट किया, वो मूवमेंट से लोग घबराए। पहले क्या हुआ करता, यहाँ तो जब सरकारें बनती थी शायद कोई पिछड़ा मंत्री बनता हो, चाहे दलित बनता हो, मरे बनता हो, सब किस वर्ग थे सारे लोग जानते हैं, पंथ से लेके अब तक शुरू हुआ। अब जब देखा कि भाई वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, जब नाराज शुरू हुआ तब से लोग जाति ध्रुवीकरण की बात करने लगे। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, मैंने भी कहा जाति की सच्चाई है, उसके बिना राजनीति हो नहीं सकती। आज हिंदुस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, दूसरा नहीं, दूसरा दूसरा ये मैं बात कर रहा हूँ कि हम सिर्फ आदर्श की बात करें, आचरण न लावें तो इससे बड़ी विडंबना हो सकती है। बीजेपी के लोग सिर्फ आदर्श की बात करते हैं। आप याद करिए, राजनाथ सिंह सरकार में क्या किया था, पिछड़ों को बढ़ने काम किया था, यादव 5%, कुर्मी 4%, इनका आरक्षण देने की बात किया, आरक्षण वारक्षण कर दिया। ये अशोक यादव चले गए थे सुप्रीम कोर्ट, तब वो खत्म हुआ। ये खेल ऑलरेडी खेल चुके हैं। मैं ये कह रहा हूँ, हकीकत को मानिए, और जब तक आप विकास से काम नहीं करेंगे, जनहित काम नहीं करेंगे, झूठे वादे करेंगे, 15-15 लाख गरीब आदमी फंस गया, ये हर के खाते में 15 लाख रुपया आ जाएगा। चलिए, बार बार ये कार्ड के हंडी नहीं जड़ती, नाराजगी हो सकती है, लेकिन चलिए, मैं जिस तरीके से जातीय समीकरण को लेकर के अनुराग जी ने बात की, अनुराग जी की बात एकदम आज पूरी तरीके से चरित्रार्थ होती नजर आ रही है। ये सवाल मैं इसलिए अनुराग जी के पास आ रहा हूँ। अनुराग जी, आज आपने जो जाति को लेकर के बात की, मेरा सवाल यह कि मंच पर मौजूद डिप्टी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी साफ साफ कहा, अगर पिछड़े एकजुट हो तो 50% वोट खुद ही बीजेपी की झोली में गिर जाएंगे। इसका क्या मतलब है, ये वोट के लिए तो सम्मेलन है ना, कि आप जाटवों के लिए, प्रजापति के लिए सम्मेलन करा रहे हैं क्यों सर? देखिए, स्वाभाविक तौर से अगर सम्मेलन कराया जा रहा है तो इसको पोस्चरिंग कहते हैं। आप सरकार में है, केंद्र में और राज्य में, दोनों जगह में, ऐसे में अगर आपको कोई उनके भले के लिए काम करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन सम्मेलन करके जो मैसेज दिया जा रहा है वो स्वाभाविक सी बात है कि 2019 पास में है और इस वजह से ये मैसेज दिया जा रहा है। मैं इसको गलत या सही के दायरे में नहीं देखता हूं, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि ये जो सारी पॉस्चरिंग है, ये सारी चीजें केवल चुनाव के मद्देनजर है। मैं आपका ध्यान दिलाऊंगा कि जब गुजरात में पटेल आंदोलन हुआ था आरक्षण का, तो वो चुनाव के आसपास शुरू हुआ, उसके बाद चुनाव होता है, आंदोलन खत्म हो जाता है। उसके पहले कुछ ऐसे मुद्दे जिसको इमोटिव मुद्दे कहते हैं, भावनात्मक मुद्दे, वो मुद्दे उठाए जाते हैं, उससे एक पॉस्चरिंग की जाती है और उस पॉस्चरिंग के जरिए वोट की फसल काटी जाती है और उसके बाद वो सारे मुद्दे बराबर कर दिए जाते हैं। आलोक, मैं आपको एक चीज और बताता हूं, अगर किसी जाति के भले करने की बात है तो उत्तर प्रदेश में बनारस से 12 किलोमीटर दूर एक दिल्लीपुर गांव है, वहां पर जो एक मुसहर जाति के लोग हैं, उन पर हम लोगों ने एक खबर करी थी, उसमें पता चला कि वो उनमें से जो पहला इंटरमीडिएट करने वाला व्यक्ति है उस गांव का, वो 3 साल पहले हुआ है, यानी कुल मिलाकर 5 साल पहले। तो अगर आपको जातियों की चिंता है तो आप उनके विकास की बात करिए। बिल्कुल, लेकिन साहब यही तो है इन राजनीतिक दलों का, कि इनको जातियों की चिंता का, इनको तो अपने चुनावी वोट बैंक की चिंता है। फिलहाल बड़ी बहस जारी है, मेहमान हमारे साथ बने हुए, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो हम जातीय समीकरणों को लेकर के बात कर रहे थे, सवाल यही है कि चुनावी बिसात पर जिसने जाति के मोहरे सेट कर लिए, जीत उसी की होनी है। और जैसा कि हमने शुरुआत में कहा,
राम मित्तल जी, मैं आपसे इस सवाल का जवाब लूंगा कि हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, यूपी में बनने वाला गठबंधन या महागठबंधन की जो धुरी है वो जाति ही रहेगी, तो विकास की ढोल पीटने वाली बीजेपी इसकी काट के लिए जाति का कार्ड खेल रही, क्यों मानते हैं कि नहीं आप लोग गठबंधन की काट सीधा सीधा? बिल्कुल, जो रणनीति विपक्षी दल अपनाएंगे उसकी काट के लिए हमें अपनी रणनीति बनानी ही पड़ेगी। नहीं तो फिर आपका विकास कहां गया? विकास भी सबका साथ सबका विकास। आदरणीय मोदी जी ने पूरे देश में 5 करोड़ गैस कनेक्शन दिया है। 2022 तक हर गरीब को हम मकान देने जा रहे हैं। अच्छा, और हम रोजगार भी लोगों को दे रहे हैं, ठीक है, विकास भी कर रहे हैं। हाँ, विकास कर रहे हैं, लेकिन अभी अभी एक दिन पहले कैबिनेट में एक प्रस्ताव पारित हुआ जिसमें आप लोग कल्याण मित्र बनाएंगे। मेरा बहुत सीधा सा सवाल है जो हर विपक्ष के शायद इसमें जहन में होगा, उसमें सरकार की योजनाओं के बारे में आप लोग जानकारी देंगे, उसके लिए प्रतिनिधि भी नियुक्त किए जाएंगे, उनको सैलरी भी मिलेंगी। जब काम किया है तो ये सब की क्या जरूरत है सर राम हृदय जी? देखिए, हाँ, सरकार की जो नीतियां हैं उसको धरातल पे जमीन पे उतरना चाहिए और जो काम है वो गांव में जाना चाहिए। नहीं, गैस तो पहुंच गई घर घर, और मकान भी मिल गए, पहुंच गया सब घर घर। लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए और लोगों को बताने में, जागरूक करने में इसमें क्या बुराई है? शासन जो सरकार की नीतियां बन रही है गरीबों के लिए और कल्याणकारी योजना जो चला रही है उसको गांव गरीब में जाना चाहिए। मेरा जो सवाल था मुझे वो जवाब नहीं मिला। चलिए, मुझे लगता है सचिन जी शायद इस सवाल का जवाब दे पाएंगे। बिल्कुल आलोक, जहाँ तक की लोकमित्र की जो बनाने की बात है, तो जहाँ तक सरकार, इसमें सरकार के जितने भी कार्यकर्ता हैं या जो भी नेता या आरएसएस के लोग इसमें रखे जाएंगे और उनको लोक कल्याणकारी जो भी योजना है उनको बताने के लिए उनको मानदेय दिया जा रहा है, वो भी 30,000 रुपए। अगर यही मानदेय आप शिक्षा मित्रों को दे दें, अनुदेशकों को दे दें, जो देश के बच्चों के भविष्य बनाएंगे उनको दे दें, तो ये कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है कि इनके जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको इसमें ला करके। एक सोची समझी साजिश हो सकती है। आज मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। सपा में भी चल रहा है कुछ ना कुछ मंथन, चल रहा है बीजेपी में भी चल रहा है, आपकी पार्टी में क्या चल रहा है? राहुल गांधी सिर्फ राफेल नडाल और वो पूरा, इससे ज्यादा ऊपर नजर नहीं आ रही राजनीति? बहुत ज्यादा होगा, रायबरेली तक एक दौरा लगा लेते हैं, बाकी पार्टी में कुछ लग नहीं रहा क्या कि क्या चुनावी विजन है, क्या एजेंडा है, जरा बताइए। देखिए आलोक जी, पूरी पूरे प्रदेश में हमारे संगठन पर काम हो रहा है, जिलाध्यक्ष काम कर रहे हैं, अभी हम लोग इनका पोल खोल सम्मेलन कर रहे हैं, हम लोग जितने ब्लॉक सम्मेलन कर रहे हैं। जहां तक की बीजेपी का सवाल है, बीजेपी तो अपने ही जुमलों में फंस गई है, जो इन्होंने वादे किए थे बड़े बड़े उसी में सम्मेलन हो रहा है, उसी में फंस गई थी। जहां तक कि मेरा सवाल तो है कि अगर किसी को रोजगार नहीं मिलेगा, किसी को नौकरी नहीं मिलेगी, तो ये जाति है। आप लोगों को गठबंधन का ही सहारा है क्या लगता है? इसी के बारे में 2000 की नैया चुनावी में तभी पार लग जाएगी कि गठबंधन जो भी बन रहा है उससे मोदी जी योगी जी घबरा गए हैं, तभी उन्होंने ये जाति सम्मेलन बुलाने स्टार्ट कर दिए। कभी प्रजापति को बुलाते हैं, कभी पिछड़े वर्ग, कभी दलितों को। इसका मतलब है कि वो भयभीत हैं, गठबंधन से भयभीत हैं योगी जी मोदी जी। क्या वाकई में महागठबंधन के सामने बीजेपी जो सामाजिक सम्मेलनों में चुनावी गोट सजा रही है और इसका आगाज भी हुआ, क्या वाकई में ये कहीं ना कहीं एक डरी हुई है बीजेपी? देखिए, अब बहुत साफ बात है। हाँ, अभी तो सपा बसपा गठबंधन हुआ नहीं, ये कोई साझा मंच नहीं किया। सुनिए तो मैं उपचुनाव की बात कर रहा हूँ। उपचुनाव ना कोई साझा मंच किया, ना कोई साझा प्रस्ताव हुआ, और जनता का क्रोध है। तब ये परिणाम आया कि मुख्यमंत्री जो 5-5 मार रहे हैं वो हार गए, डिप्टी सीएम हार गए, कैराना हार गए, यहाँ के प्रधानमंत्री तो हार कर दी, चुनाव प्रचार बंद होने के बाद वहाँ रोड शो कर रहे हैं, इतना निचले स्तर पे आ गए। सुनिए तो, और मोदी जी की बात जहाँ तक कर रहे हैं, मोदी जी तो हमेशा कई हमें मीटिंग में सुना है, यादव नाराज मुसलमान जातिवाद की बात करते हैं, खुद कहते हैं मैं साहब छोटी जात से आता हूं, इससे बड़ा जातिवादी को हो क्या सकता है? ये तो राहुल गांधी जी बताएंगे, उनका 56 इंच का सीना नाप के आए हैं, राहुल गांधी बताएंगे मिल के आए हैं कितना 56, ये घोर जातिवाद की बात करते हैं। और हमारी पार्टी का स्पष्ट व्यू है, समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय कहते हैं कि भाई आपने जो ये चल रहा है जनगणना कराई है, उसमें जाति आधार पर कराई है, अब हर जाति आधार पर दे दीजिए, ये सब करने की जरूरत नहीं। दूसरा, आधार कार्ड जोड़ दीजिए, हर जाति का उसका हक दे दीजिए, हिस्सा दे दीजिए, आप कोई विवाद नहीं पैदा हो जाए, आरक्षण कर दीजिए, आर्थिक आधार कर दीजिए, आप क्यों नहीं आधार कार्ड पे आधार पे सारे लोगों को आरक्षण देने काम करते हैं? मैं समझता हूँ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पब्लिक को गुमराह करने की बात करती है, पिछड़ा पिछा के बात करती है, ये खुद भ्रमित हैं, खुद भयभीत हैं, खुद उसमें हैं।
और जो अभी तो गठबंधन हुआ नहीं तब इनका बुरा हाल है। और यही नहीं, आप देखते रहे जो उपचुनाव हुए हैं, राजस्थान में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, बिहार में, सारे चुनाव हारने काम किया है। एक बात खत्म करूंगा, अभी इन्होंने ये जात छोड़ दी थी, जातियों में जो उपजातियां होती हैं, शाखाएं होती हैं, हमारे भूपेंद्र यादव को लगाया है जिनके हैं कि साहब देखिए घोसी कौन है, डढ़ोर कौन है, हमारे मुख्यमंत्री किस जात के आते हैं उनको पता ही नहीं है। नकवी साहब हर राजनीतिक दल जाति को लेकर के बात कर रहा है, क्या लग रहा है कि 2019 पूरा तरीके से बस जातियों का ही पिछड़ा, अति पिछड़ा, यादव इन्हीं के इर्द गिर्द घूमेगा, विकास साइड में होगा या विकास सेकेंडरी होगा? देखिए ऐसा है कि आप कितना ही कास्ट कॉम्बिनेशन एक फैक्टर है, लेकिन जो मैं इसमें जो होगा वो इसलिए हावी करना चाहते हैं, उसकी बात करना चाहते हैं कि जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो फेलियर हो गया। हमारे मिस्टर चौकसी, मिस्टर नीरव मोदी इतना पैसा लेके भाग गए और अब उनके आने का और पकड़े जाने का कोई इम्कान नहीं है। एंटीगुआ, अब आप बताइए कितना बड़ा मजाक है कि जो आदमी जिसके खिलाफ 50 केसेस थे मिस्टर चौकसी के खिलाफ फ्रॉड के, 100 लोग 50 लोगों को फ्रॉड किया था, उन पर पुलिस क्लियरेंस किस वजह से मिल गई? पुलिस क्लियरेंस मिल गई और एंटीगुआ में उन्हें सिटीजनशिप मिल गई। ये जो इकोनॉमिक पॉलिसी का फेलियर हुआ है, जो हमारे हजारों करोड़ इस मुल्क से चले गए, इस बात का जवाब बीजेपी को देना होगा। और कहीं ना कहीं ये इकोनॉमिक फैक्टर जो पॉलिसी का जो फेलियर है, इस बारे में समझता हूँ ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है 19 में। ठीक है, कास्ट फैक्टर रहेगा, लेकिन ये बताइए कि मुल्क का इंटरेस्ट, कुछ लोग हिंदुस्तान में ऐसे हैं जो कास्ट और मजहब से ऊपर उठ के सोचते हैं, वो सोचते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ऐसी हो, हमारा प्राइम मिनिस्टर ऐसा हो जो मुल्क के इंटरेस्ट को गार्ड करे। तो एक तरफ तो हमने देखा कि पिछले हमने हमारे यहाँ मनमोहन से इसलिए कुछ ज्यादा पॉलिसी, अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में हमें चाहिए रिप्रेजेंटेशन, बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट को जजेस बनाया जाए, उनको वहां भी नुमाइंदगी मिलना चाहिए। हमें देखना ये होगा कहाँ हमारा कमजोर सेक्शन, हमारा जो वीकर डिप्रेस क्लास है, उसको आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी रिप्रेजेंटेशन दीजिए। बिल्कुल, देश के संसाधनों पर सबका कहीं ना कहीं हक है और सरकार इस बात को कर रही है तो इसमें विपक्ष को आखिर दिक्कत क्यों है? चलिए मैं अनुराग जी के पास आऊंगा, लेकिन मैं उससे पहले जगदेव जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा। जगदेव जी आए, अपनी बात रखी, मैं अब अनुराग जी के पास आ रहा हूं। अनुराग जी, अगड़ों की बात करें तो पिछड़ों की बात हो रही है, अन्य पिछड़ों की बात हो रही है, कोई ऐसा भी होगा जो कभी अगड़ों या सवर्णों के लिए भी बात करेगा? देखिए, जहाँ तक जातियों की बात है, अगर सवर्णों की बात की जाए तो जो भाजपा है वो ये मानकर चलती है कि जो ब्राह्मण ठाकुर के जो वोट हैं, यानी 11% और 6% करीब 17% वो उनके वोटर हैं। दूसरी बात, अगर और अगड़ों को जोड़ लिया जाए जिसमें कायस्थ आते हैं, जिसमें भूमिहार आते हैं, वो करीब करीब 25% तक ये सब जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको ये माना जाता है, इसमें बनिया वर्ग भी है, तो इसको माना जाता है कि ये भाजपा का वोटर है। लेकिन अभी जो स्ट्रेटेजी है जिसमें अगर खास तौर पर समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस की बात की जाए उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, वो ये मानकर चल रहे हैं कि अभी हमें जो कंसंट्रेट करना है वो दलित, पिछड़े और मुस्लिम वोटों के साथ करना है, और खास तौर पर मुस्लिम वोटों का बिखराव जो है, जो भाजपा की जीत का कारण बनता है, उसको हमें रोकना है। और यही वजह है कि इस फॉर्मूले पर बात हो रही है। अभी एक बड़ी दिलचस्प बात हुई, अभी जगदेव जी अभी चले गए हैं, लेकिन उन्होंने अभी अभी ये बताया कि राम मनोहर लोहिया जी लोहनिया थे। उन राम मनोहर लोहिया की जाति हमें बताई गई, जो राम मनोहर लोहिया पूरी जिंदगी जाति प्रथा के खिलाफ और पॉलिटिक्स में जाति के इस्तेमाल का के विरोधी थे। तो कहीं ना कहीं आप ये मान सकते हैं कि जिस तरह से ये चक्रव्यूह रचे जा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं जाति ही सबसे महत्वपूर्ण होने जा रही है, और उत्तर प्रदेश में जाति के आधार पर ही वोट भी बटेंगे और वोट पढ़वाने की कोशिश भी की जाएगी। चलिए, जातिगत समीकरण हावी रहेंगे। राम हृदय जी, एक तरफ आप लोगों का जो जातिगत समीकरण है उनको साधने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो आपका जो पैटर्न है, जो हिंदुत्व का जो मुद्दा है, जो राम मंदिर की बात करें, टोपी की बात करें, मदरसों की बात करें, मूर्ति की बात करें, वो भी पैरेलल चल रहा है, इन सब के बीच विकास तो कहीं खो सा गया है? नहीं आलोक जी, विकास पूरा जमीन पे दिखाई दे रहा है जी। पहली बार उज्ज्वला योजना के तहत गरीबों को आदरणीय मोदी जी ने गैस कनेक्शन दिया, और आयुष्मान योजना चलाई जा रही है, 22 तक हर गरीब को छत मिलने जा रहा है, और प्रधानमंत्री जी
जब देश आजाद हुआ तो उस समय 6 करोड़ लोग भारत में गरीबी रेखा के नीचे थे, आज 70 साल आजादी के बाद 22 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे है। आखिर में इसके जिम्मेदार चुनाव के पहले क्यों ध्यान आ रही है, चुनाव के पहले क्यों ध्यान आ रही है ये बता दीजिए। सत्ता में कांग्रेस पार्टी रही है 40-50 साल तक, इन्होंने क्या किया, 4.5 साल में क्या किया उसका जवाब दीजिए। 2 करोड़ रोजगार कहां गया, 15 लाख रुपए कहां गया, किसानों का जो कर्जा माफी करने की बात कहां गया, लेकिन 7 सालों का हिसाब दीजिए। मैं यहाँ पर हिसाब की बात, मैं यहाँ पर जातिगत समीकरणों को लेकर के बात कर रहा हूँ। चलिए मैं नकवी साहब के पास आ रहा हूँ, पिछड़ों को अपने साथ जोड़ने के तहत ये बहुत एनालिटिकल सवाल है, मैं पूछ रहा हूँ। राजभर, नाई, सविता ठाकुर, सेन, निषाद जातियों के प्रतिनिधियों के सम्मेलनों का आयोजन जो किया है बीजेपी की रणनीति, दलितों के लिए भी अलग अलग तबकों के सम्मेलन की योजना है, और बात करें केंद्र की तो लोकसभा में SC ST एक्ट संशोधन पास कराकर पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की पहल करके बीजेपी पहले ही कहीं ना कहीं ट्रंप कार्ड खेल चुकी है। सर नकवी साहब नहीं लग रहा है? नहीं देखिए ऐसा है ये हाँ। बिल्कुल उनका SC ST एक्ट में अमेंडमेंट का प्रपोजल हाँ। और बैकवर्ड कमीशन बनाना, ये सारी चीजें हैं जो बीजेपी ये दिखाना चाहती है कि हम बड़े हितैषी हैं। लेकिन जो डबल स्टैंडर्ड है वो मैं बात कहना चाहूंगा कि जो आप जॉब्स दे रहे हैं अभी सेक्रेटरीट यूपी सेक्रेटरीट में जो जॉब दिए गए उसमें बिल्कुल कोई भी जॉब बैकवर्ड को चुलकास को नहीं मिला। हमारे हाईकोर्ट में और जो भी है कोई वहाँ रिप्रेजेंटेशन उनका ऑलमोस्ट निल है जो बैकवर्ड सर जो है। और आप देखिए ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पर विदाउट एनी क्वालिफिकेशन सीनियर IAS पोस्ट किए जाएंगे विदाउट एनी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन। जो अभी बात हो रही है वेलफेयर हम एजेंट बनाएंगे वो सरकारी खर्चे पर बीजेपी का कैंपेन करेंगे। आप ये देखिए ये एक सोची समझी, मैं इस बात को कंडेम करूंगा लेकिन बहरहाल एक कोशिश वो कर रहे हैं। देखना यह है कि किस तरह से लोग सोचेंगे, हिंदुस्तान की पब्लिक को अभी सोचना है कि क्या वाकई 4 साल में हुआ है, क्या 5 साल में मोदी जी कुछ कर सकते हैं। अगर उम्मीद टूटी है तो डेफिनेटली 2019 में हम चेंज देखेंगे, हम एक डिफरेंट लीडरशिप। रामेंद्र जी कैसे आश्वस्त कराएंगे कि आप दलितों को, पिछड़ों को, अन्य पिछड़ों को, अति पिछड़ों को और अगणों को भी, सवर्णों को भी साथ लेकर के चलेंगे और सिर्फ जात की राजनीति नहीं करेंगे, विकास के नाम पर वोट मांगेंगे? जनता जानना चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी जात के नाम पर राजनीति नहीं करती, विकास के नाम पर राजनीति करती है। आदरणीय मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास और भारत की जनता ने अपार जन समर्थन 2014 के लोकसभा में दिया और ऐतिहासिक जीत हुई। उत्तर प्रदेश में भी ऐतिहासिक जीत हुई लेकिन, और उत्तर प्रदेश में उन्हीं के तहत इन्वेस्टर समिट कराई जा रही है, पूरे देश के करोड़ों रुपए बहाए गए उसमें, पूंजी लगाई जा रही है, उद्योग धंधे लगाए जा रहे हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है। जमीन का सवाल सचिन जी, चलिए सरकार ने अपनी नीति स्पष्ट कर दी कि इतने दशक बाद किसी ने शुरुआत तो की। मेरा एक सीधा सा सवाल, ये मैं विपक्ष के तौर पर नहीं, एक सचिन जी नैतिकता के तौर पर एक जवाब दीजिएगा कि क्या वास्तव में अगर जो वंचित हैं उनको अगर उनका हक मिलना, क्या वाकई में ये कहीं राजनीति कही जाएगी? अगर ये तो उनके हक मिल रहा है, उनको पिछले इतने सालों से वो सुविधाओं से वंचित है, तो इसमें गलत क्या है, क्यों विरोध कर रहे हैं बड़े संक्षेप में सर? नहीं विरोध हाँ, हमारा कोई नहीं है जी, लेकिन हमारा तो ये मानना है, चुनावी रणनीति से जोड़ के देखा जा रहा है, चुनावी रणनीति से हमें कोई नहीं जोड़ रहे हैं। जहां तक हमारा मानना है कि सभी जितने भी गरीब हैं, जितने बेरोजगार हैं, उनको रोजगार की बात होनी चाहिए, उनको जो जितने भी हैं मतलब युवा हैं उनकी पढ़ाई के बारे में भी सोचना चाहिए। जब सरकार रहती है तब ये सब चीजें क्यों नहीं ध्यान में आते हैं? इससे कुछ नहीं होगा। आज जनता समझ चुकी है भाजपा की कार्यशैली से, आज जनता मन बना चुकी है कि 2019 कब आए और अपना बटन दबाकर भाजपा से मुक्ति चाहती है जनता। अनुराग जी 2014 की बात अलग थी, जब अगर सरकार को बताएं कि लगभग 23% के आसपास दलितों का वोट मिला था, लेकिन अब कहीं ना कहीं हालात दूसरे हैं और अब दलितों की नाराजगी भी कहीं ना कहीं सामने आ रही, नहीं लगता सर? देखिए साफ तौर पर आपको बताऊं कि जो सत्ता पक्ष होता है उससे हर वर्ग नाराज होता है और ये जो सम्मेलन है उनको साधने की कोशिश है। अब सबसे बड़ी बात जो विडंबना है उत्तर प्रदेश के पॉलिटिक्स की, कि कोई 70 साल का हिसाब मांग रहा है, कोई 4.5 साल का हिसाब मांग रहा है, कोई ये नहीं कह रहा है कि 70 साल में जनता को मिला क्या, इस राजनीति के जरिए हमें मिला क्या। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि हम ये मानने को तैयार नहीं है कि हम जाति की राजनीति करते हैं, लेकिन हम सारी राजनीति जाति की ही करते हैं।
तो सवाल यह है कि हम उस वास्तविकता को स्वीकार करें। हाँ, इनकी रणनीति यह है, इनकी रणनीति यह है, हम इसको मानने को तैयार नहीं है। इस रणनीति को मानने के बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं और विकास की बात करते हैं तो जनता का भला हो सकता है, वरना हम इस बहस में पड़े रहेंगे कि हम जाति की राजनीति करते हैं या नहीं करते हैं। अनुराग जी, आपने बहुत सही बात कही। एक फाइनल कमेंट में नकवी साहब से, जनता का भला, दलितों का भला, अति पिछड़ों का भला आखिर कैसे होगा? सियासत, आरोप प्रत्यारोप, पक्ष विपक्ष दूर रख देते हैं थोड़ी देर को। देखिए, अब बहुत ही अपने इसको हम समाप्त करने जा रहे हैं इस बात को। मेरे ख्याल से हमें बहुत एक कुछ चीज़ों पे हमें कॉमन चीज़ें बना, एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आना होगा हर पार्टी को कि भाई ये वीकर सेक्शन है, हमें ऐसे ग्रुप्स, ऐसे सोशल ग्रुप, ऐसे इकोनॉमिक ग्रुप आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जिनकी कोई नुमाइंदगी हमारी सरकारी स्कीमों में नहीं है, सरकारी ठेकों में नहीं है, सरकारी नौकरियों में नहीं है। अगर हम थोड़ा सा इकोनॉमिक लेवल पर जाएँ, अगर हम वर्गीकरण क्लास कर दें, कास्ट न करके क्लास कर दें, तब शायद हम ज़्यादा भला कर पाएंगे और ज़्यादा डेवलपमेंट हो पाएगा। समाज के उन तबकों का ख्याल रखना होगा। जैसे मैं देखता हूँ हमारे दलित भाई हैं, कुछ फैमिलीज ने उसको यूसर्प कर लिया है, रिजर्वेशन को बैकवर्ड्स में। आप बताइए, शेड्यूल ट्राइब मीना साहब, मीना कम्युनिटी है, सारा ट्राइब्स का रिजर्वेशन वो अपने हिस्से में ले जाते हैं। उनको कहीं सोचना होगा कि वीकर सेक्शन को हमें रेलिंक्विश करना है। जो लोग अच्छे हैं, जो लोग तेज हो गए हैं, उनको उनको जनरल में कॉम्पीट करना पड़ेगा। मैं ये देख रहा हूँ लेटेस्ट बैकवर्ड्स के, मैंने कई क्लास थ्री क्लास फोर में था जब सर्विस में, तो मैं देखता था कि बैकवर्ड्स के बच्चों की परफॉर्मेंस जनरल कास्ट से ज़्यादा है। कहीं ऐसा नहीं है कि हमें लगता है कि बिल्कुल एक क्लास, भाई आप जाट कम्युनिटी क्या कहेंगे, प्रॉस्पेरस भी हैं, स्ट्रॉन्ग भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं। तो हमारे यहाँ जो बैकवर्ड्स के कुछ समूह हैं जो और सबका हिस्सा ले जाते हैं, उनको कहीं ना कहीं क्रीमी लेयर्स हटा के निकालना होगा। हमें इस तरफ सोचना होगा, दलित हमें क्रीमी लेयर बनानी होगी और बैकवर्ड्स में बनानी होगी। अगर बात करें तो मेरा बहुत ईमानदारी से कहा, नकवी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, सचिन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, राम हृदय जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और अनुराग जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ है कि 2019 में जीत का मंत्र जाति के संग होने जा रहा है, इससे गुरेज नहीं किया जा सकता। बड़ी बहस में इतना ही, बने रहिए लाइव टुडे के साथ, लेटेस्ट अपडेट, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।